गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर में कि वेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, मतलब अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो हम क्या अकाउंटिंग करेंगे। तो हमने सिस्टम तो वही रहता है जो कल समझाया गया था, दैट क्लियर। सारी चीज़ें वही रहती हैं, सारी चीज़ें, सभी चीज़ें। बट एंट्री में क्या होता है कि जो कैश अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल टू गुडविल, तो ये गुडविल जब कैश वो नहीं ला रहा है तो यहाँ पे वो एंट्री नहीं आएगा, दैट क्लियर। तो आज क्या चेंजिंग आएगी, जैसे टॉपिक हम आज देखिए, टॉपिक हम निकाले हुए हैं, क्या लिखा है, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, दैट क्लियर। अगर बस ओनली फॉर वन जर्नल एंट्री में नॉर्मली चेंजिंग होगी तो आप समझ लें, बाकी सब वैसे ही होगा जैसे पहले होता था, ठीक है, ओके। तो आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में क्या दिया हुआ है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-2। जो इन लोगों का पार्टनर जो है उनका ए बी पार्टनर है बेटा, और इनका जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो आपका 3-2 दिया हुआ है, 3/5 एंड 2/5। इसके बाद दे एडमिट सी, दैट क्लियर, इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी जो है न्यू पार्टनर है, उसको 1/5 शेयर चाहिए, ठीक है, और कैपिटल वो पे कर रहा है, कैपिटल का अमाउंट वो पे कर रहा है 40,000, और गुडविल जो है वो आपका 25,000 रुपये है, 25,000 है उसका, वो 1/5 शेयर देगा, क्योंकि 1/5 शेयर ले रहा है, क्योंकि गुडविल आप फर्म है, तो वो 5,000 रुपये गुडविल का क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉट पेड इन कैश, वो कैश में नहीं दे रहा है, नॉट पेड इन कैश। तो हमें क्या करना है, ठीक है, तो जर्नल एंट्री करते समय, क्योंकि वो कैपिटल का पैसा कैश में ला रहा है, तो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ये आपका 40,000 टू कैपिटल ला रहा है, बीइंग कैश ब्रॉट इन फॉर्म। अब गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है तो हम क्या करेंगे, तो गुडविल का पैसा बाद में देगा, गुडविल का पैसा अगर अभी नहीं दे रहा है तो बाद में देगा, तो उसके नाम को एज ए न्यू पार्टनर के नेम को, ठीक है, हम डेबिट करेंगे, बट उसका करेंट अकाउंट ये याद रखेंगे, ये गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, सी करेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू, जब वो पैसा गुडविल का लाएगा, जिस समय लाएगा, तो ये जो डेबिट हुआ है सी करेंट अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा वो, लेकिन अभी वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट का मतलब वो कर्जदार हो गया, वो देगा, एज ए डेबिटर्स कहलाएगा ये। टू, ये पैसा कौन लेगा, तो ए टू बी कैपिटल, भाई ए और बी को तो मिलेगा ही, उनके कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लेकिन ये कर्जदार हो जाएगा, ठीक है, डेबिटर्स। अब ये आप सेक्रीफाइस रेशियो में इनको दे दोगे, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा,
3,000 and 2,000। तो जब गुडविल का पैसा नहीं लाएगा वो कैश में तो ये इंट्री आपकी होगी। और गुडविल का पैसा कैश में लाएगा तो क्या इंट्री होगी, वो कल बताया गया था आप लोगों को, ये कैश टू कैपिटल टू गुडविल। गुडविल क्रेडिट होगा जब कैश लाएगा तो, और फिर जब उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बांटेंगे तो गुडविल वही डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर में जो सेक्रीफाइस का रेशियो होगा उसमें इन लोगों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। दैट क्लियर। तो ये आज का टॉपिक है आपका। गुड डे। देखिए आप लोग इसको आज।